Halo. Start with the great name of Allah, who is the omnipresent, the alone master of the entire universe. Respected colleagues, Assalamu alaikum. आज हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है. दिस इज इनाम इसहाक शेख. वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कॉन्टेंट्स पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. उसमें हम देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, types of penetration testing, methods of the penetration testing, why penetration testing, or who has top 10 vulnerability attacks, available tools for penetration testing, and my research and contribution in this. Starting from the penetration testing, ke penetration testing basically hoti kya hai. Penetration testing is a kind of a test or QA or vulnerability scan कि जहाँ पर हमें जो प्रोजेक्ट होता है हमारा या जो वेब एप्लीकेशन होती है हमारी उसकी सिक्योरिटी या उसकी वीकनेसेस, उसके अलावा उसके नेटवर्क की वीकनेसेस और सिस्टम की वीकनेसेस का पता चल सकता है. इस वजह से हम पेनेट्रेशन टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, पेनेट्रेशन टेस्टिंग के अंदर किस तरह की कितने किस्म की टाइप्स होती हैं उसके अंदर होती है. सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग. वाइट बॉक्स टेस्टिंग पेनेट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जब कोई भी पेनेट्रेटर टेस्टर जब टेस्ट करने बैठता है तो उसको नॉलेज होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशंस की, हमारी एप्लीकेशन की वर्किंग की वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर. उसके बाद वो टेस्ट करना स्टार्ट करता है. दूसरा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो टेस्टर होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता कि व्हाट इज फॉर दिस वेब एप्लीकेशन. We just give the URL कि हम उसको URL देते हैं भाई आप ले और इसको हमें टेस्ट करने देते हैं. ये ब्लैक बॉक्स होती है टेस्टिंग कि वो खुद ही फाइंड आउट करता है चीज़ें और खुद ही टेस्टिंग की तरफ जाता है. अच्छा, उसके बाद मेथड्स ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होते हैं, किस तरह के मेथड्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर. सबसे पहले होती है मैनुअल टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग के कोई एक पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो खुद उस वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करता है. ये होती है मैनुअल टेस्टिंग. वो कुछ भी टूल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, कुछ टेक्निक्स अपनी इस्तेमाल कर सकता है. ऑटोमेटिक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि या तो कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं या फ्रेमवर्क आप खुद लिखते हैं और या तो कुछ आप प्री डिफाइंड ओपन सोर्स टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी हो सकती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी हो सकती है कि आपने उसको जस्ट URL दे दिया और उसने आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है. लाइक ओके, ऑटोमेटिक टेस्टिंग के अंदर कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर, कोई भी एक टूल या कोई भी एक फ्रेमवर्क जो हम लिखते हैं खुद वो हमारे सॉफ्टवेयर को उस वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करता है. अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों? पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसलिए ताकि हमें अपनी एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी पता चल सके, हमें अपनी नेटवर्क और सिस्टम की सिक्योरिटी पता चल सके इससे पहले कि वो सिस्टम कहीं और से हैक हो जाए, उससे पहले कि उसकी डेटा कहीं और लीक हो जाए. एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी क्या होती है जिस पे हम काम करते हैं. नॉर्मल एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसको हम स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल इसी तरह ही लेके चले कि कल को अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हैं तो उसमें कम से कम बग्स निकले, या कल को अगर हमारी साइट हैक होने जा रही है या कोई अटैकर उस पर अटैक कर रहा है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करे, वो उसके पास कोई डिफेंडिंग हो, कोई फायरवॉल हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो. अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों की तरफ मैं फिर दोबारा आता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब घर होता है, जब घर तामीर होता है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ यार मेरे घर में जो है कोई भी ऐसी वारदात ना हो, कोई भी ऐसे चोर ना खेले आ जाए, तो हम क्या करते हैं पहले नॉर्मल हम खुद उसको वेरीफाई करते हैं या कोई इस तरह की विंडो या कोई इस तरह का डोर तो नहीं है मेरे पास कि कहीं से आसानी से बंदा आ सकता है जो मेरी जान पहचान का नाम हो और वो मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, मेरे घर की चीज़ें चुरा सकता है. ये होती है यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग को करवाने की वजूहात. अच्छा, OAuth के अंदर टॉप 10 हर मरतबा अपडेट होते रहते हैं कि कौन सी ऐसे अटैक्स हैं या कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं
जो सबसे कॉमन होती हैं, जो कम से कम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हुए हम उन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो इन अटैक्स पे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। अगर सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो हमें उनको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। अगर सही रिस्पॉन्स कर रही है, कम से कम टॉप 10 अटैक्स जो भी होते हैं ओआप के अंदर वो अपडेट होते रहते हैं ईयर बाई ईयर। अच्छा, ये जो लिस्ट है ये मैं अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में, ये 6 कॉमन ही थे मेरे जो मैंने 2018 के दिसंबर में प्रेजेंटेशन दी थी स्प्रिंग सिक्योरिटी में, उस पर ये चीज़ें कॉमन थी। अच्छा, क्या कोई आप में से बता सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन या प्रोटीन ऑथेंटिकेशन या इनमें से कोई भी, कोई थोड़ी सी डिटेल्स कोई बता सके या उसको हल करने का कोई तरीका बता सके एनीवन? ये चार मेरे पास न्यू है, ये तो मैं बताऊंगा जरूर। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ वो नॉर्मल है। एज अ वेब डेवलपर या एज अ डेवलपर आई शुड नो कि ये क्या है, इससे क्या हो सकता है, कितनी डेटा इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और किस तरह से मुझे इस अपनी वेब एप्लीकेशन को इतना मजबूत करना है कि कम से कम ये अटैक जो टॉप 10 में आते हैं वो ना लगे। उसमें सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन होती है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है कि आपकी जहाँ जहाँ क्वेरीज होती हैं, जहाँ आप यूज़र से इनपुट लेके वो क्वेरीज वाली आप डेटा लेते हैं डेटाबेस से, तो उसमें आपकी क्वेरीज इस तरह मजबूत होनी चाहिए या आपकी जो इनपुट फील्ड्स हैं उसमें इस तरह के वैलिडेशंस लगी होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट पीबी की तरफ ना जाए। क्योंकि मैं उस उन फील्ड्स के अंदर कुछ इस तरह की क्वेरी अगर लिख दूँ कि वो उस क्वेरी के साथ मिलके कोई नुकसान देने वाली चीज़ बाहर निकाल दे डेटाबेस के अंदर से, या कोई एडमिन का यूजर नेम या पासवर्ड वो निकाल दे, या कोई इस तरह की चीज़ कि जो मैं नहीं चाहता किसी यूज़र को देना वो निकाल दे, ये होती है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब फॉर एग्जांपल यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम के अंदर मैंने लिख दिया इनाम, पासवर्ड के लिख दिया एबीसी और मनी इक्वल्स टू 1। मैंने एक क्वेरी बना दी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द डेटाबेस वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू इनाम एंड पासवर्ड इक्वल्स टू एबीसी और मनी इक्वल्स टू 1। एक कंडीशन ट्रू है, एक एक के बराबर होता है और की कंडीशन ट्रू हो गई, आपके पास कोई भी जो फर्स्ट बंदा होगा वो लॉग इन होके ऑथेंटिकेट हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये हो गई एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा, इससे बचने के तरीके कि नॉर्मल जब हम यूज़ करते हैं तो हम वैलिडेशंस रखें पहले तो कि हमारे पास इनपुट्स में जो डेटा आ रही है वो कम से कम सही आ रही है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही मेरे पास, और हम डायरेक्ट क्वेरीज ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट की जगह पेपर स्टेटमेंट यूज कर ली कि मैंने डायरेक्ट उसमें क्वेरीज ना लिखी एज इट इज स्ट्रिंग की तरफ। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि वो जो टेस्टर होता है या आपका हैकर होता है वो लॉगिन तो उसी तरह से हो जाता है लॉगिन की स्क्रीन से, लेकिन होता क्या है वो आपकी ऑथेंटिकेशन को ब्रोकन करता है। किस तरह? आपने अलाउ कर दिया ब्रूट फोर्स अटैक, मैंने एक लूप चलाया फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 500 आई प्लस प्लस, 500 मतलब मैंने नए यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपको हिट किया। हो सकता है 500 मरतबा ना लगे, 1000 मरतबा में लग जाए, 2000 मरतबा में लग जाए, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए मेरा। ये हो गई ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट को मैंने आपको ब्रोक कर दिया, एक नॉर्मल यूजर की तरह नहीं आया, मैं ट्राई करता रहा किसी भी दूसरे की पहचान यूज करके मैं किसी तरह इन हो गया। सेशन मैनेजमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉगिन तो कर दिया एक सही है, उसके अंदर आपने सेशन में मेरी इन्फॉर्मेशन रख दी, आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरी ना रखी उसमें कि कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर सकता है या कोई मैं स्क्रिप्ट चला के उस सेशन से डेटा निकाल सकता हूँ ऐसी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में क्या होता है कि जो आपने एक वेब एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन है और क्या हो रहा है कि दूसरी एक रिक्वेस्ट जा रही है उसी वेब एप्लीकेशन को जो बता रही है कि मैं यही यूजर हूँ जो लॉग इन हूँ और मेरे लिए आप ये काम कर दें। फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक की वेबसाइट में मैं लॉग इन हूँ और उसी के साथ एक दूसरा टैब खुला हुआ है, दूसरे टैब में क्या किया उस हबीब की वेबसाइट में लिंक वो रिक्वेस्ट की कि आप इस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दें। अब हबीब में तो ये देखेगा सेशन मेरा वही है, मेरी कुकीज वही है, हर चीज वही है, वो ये कर देगी। इससे बचने के लिए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, वो ये होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम सर्वर से वापस आते हैं तो आप एक टोकन के साथ वापस आते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो उसी टोकन के साथ वापस आते हैं, तो ये हर मरतबा क्लाइंट और सर्वर के बीच में टोकन की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है जिससे आपको पता लगता है कि ये वही बंदा वापस आया मेरे साथ। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होती है
कि आप जब भी कोई सर्वर्स बाय करते हैं या डोमेन बाय करते हैं तो उसमें आपको डिफॉल्ट पेजेस मिलते हैं या डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिलती हैं सर्वर्स के अंदर यूज करने के लिए। डिफॉल्ट हर चीज में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। कुछ पोर्ट्स होते हैं डिफॉल्ट जो ओपन होते हैं सर्वर्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनको हमें क्लोज करना चाहिए हमेशा। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर URL लिंक्स के अंदर, सेशंस के अंदर, कुकीज के अंदर या कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सेंसिटिव हो, लाइक पासवर्ड्स इन द प्लेन टेक्स्ट और द क्रेडिट कार्ड इन प्लेन नंबर्स, ये बिल्कुल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि इस तरह की कोई वेब एप्लीकेशन हम डिजाइन ना करें जिसमें कोई सेंसिटिव डेटा हम कहीं भी रख लें। उसके अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अक्सर जो वल्नरेबिलिटी होती है वो होती है आपके टेक्स्ट बॉक्सेस में। टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या होता है, हम अक्सर कहते हैं यार टेक्स्ट होगा मैं तो कुछ भी ले लूंगा और डेटाबेस में सेव करा दूंगा। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिख दी, अलर्ट करवा दिया, हेलो गई डेटाबेस में, वापस आई, जैसे ही वापस आएगी ब्राउजर क्या करेगा उस टेक्स्ट को अलर्ट करके दिखा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल है मेरी वेब एप्लीकेशन। अब मैं आपकी सेशन आईडी गेट करना चाहूँ, डेटाबेस से कुछ भी चीज मैं गेट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट चल रही है, तो स्क्रिप्ट ना चलनी चाहिए। उसके बाद ये चार है, XML एक्सटर्नल एंटिटीज, इनसिक्योर डिसीरियलाइजेशन, यूजिंग कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज, इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले XML एक्सटर्नल एंटिटीज में आते हैं। XML के अंदर जब हम XML ले रहे होते हैं किसी इनपुट फील्ड के अंदर ऊपर URL में, मैंने यहाँ XML ली, XML के अंदर लिखा हेलो हैकर और यहाँ पर मैंने उसको पास करके यहाँ दिखा दिया हेलो हैकर। अच्छा, सेकंड टाइम मैंने क्या किया कि XML के अंदर मैंने लिखा सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है XML के अंदर कि कुछ उसकी अपनी कमांड्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं। सिस्टम लिख के मैंने कोई फाइल की पास दे दी, उसने फाइल के मुझे कॉन्टेंट दिखा दिया, क्या हो गई वल्नरेबिलिटी हो गई XML की, एक्सटर्नल एंटिटीज की। आप पास तो कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता था जो आ रहा है आप पास कर रहे हैं वो उसकी सिस्टम का, सिस्टम उसकी कमांड थी और वो एग्जीक्यूट हो गई इसी तरह, और उस फाइल के अंदर जो भी था जो भी लिंक थी वो मेरे पास यहाँ शो होने लगी। अच्छा, दूसरा यूजिंग कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज, हमने एक टर्म सुनी होगी यहाँ पर, डेवलपर्स ऑलवेज केयर अबाउट एरर्स नॉट फॉर द वार्निंग्स, और इसी चीज ने हमें मरवा दिया। क्या हो गया कि OWASP टॉप 10 में हम चले गए, हमें पता ही नहीं लगा। जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करने लगता हूँ तो मेरे पास 232 वार्निंग्स आती है, एक एरर आता है, मैं कहता हूँ यार एरर को देख लें। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एरर सॉल्व किया, 232 वार्निंग्स आई, मैंने कहा छोड़ दो वार्निंग्स है कोई मसला नहीं, लेकिन वही जो वार्निंग्स होती हैं वो बेसिकली बता रही होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी नाकारा होने वाली हैं, बहुत सारे टूल्स में ये चीज़ें आपके बंद होने वाली हैं, बहुत सारी आपने डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं, आपने बहुत सारे इम्पोर्ट्स कर दिए हैं, आपने ऐसे टूल्स यूज़ किए हैं जो अब जाके ख़त्म होने वाले हैं या अब जाके एब्सोल्यूट होने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो वो क्या होता है यूजिंग कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज, हमें पता होती है ये चीज़ें लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और इस इग्नोरेंस का अगले बंदे फायदा उठा लेते हैं। Insufficient logging and monitoring के अंदर क्या होता है कि हमें step by step पता रखने की ज़रूरत होती है कि यूज़र कहाँ से आया, किस तरह आया और किस तरह बाहर गया। क्यों, कल को कहीं भी किसी भी तरह से हमारा सिस्टम फट जाता है तो हमें पता नहीं लगने वाला कि कहाँ ब्रेक हुआ हमारा सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा अकाउंट है अभी मेट्रो की साइट का, डियर नाम साहब यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ से गया था लॉग इन ऑन वेब है, मतलब मुझे पता है कि मैं ऑथेंटिकेट होके गया, मैंने डायरेक्ट कहीं जंप नहीं मारा, मैंने अपने जो काम करना था वो कर दिया और लॉग आउट हो गया। अब ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर लॉग्स। Order log is a document that records the events in a website, so you can spot anomalies and confirm with the person in charge that the account hasn't been compromised. मतलब कि जो भी user आपके पास आया proper तरीके से आया, किस तरह से आया, कहाँ गया, order log के अंदर आपकी जिस तरह हम logs लिखते हैं कोई भी API जो होती है वो run होना start हो गई और वो end हो गई, तो ये लॉग्स होते हैं हमारे जहाँ से हमें पता लगता है यार ये API तो हिट हो गई सक्सेसफुली, स्टार्ट भी हुई एंड भी हुई, इसी तरह ऑडिट लॉग्स होते हैं।
अच्छा अवेलेबल टूल्स फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि आपके पास चले पेनिट्रेशन टेस्टर कोई नहीं है, कुछ टूल्स होने चाहिए आपके पास कि जिससे आपको नॉर्मल आपको कम से कम जो भी होगा के टॉप 10 या 2-3 जैसे नॉर्मल अटैक्स है उनका आप पता लगा सके। वापी टीम, ये टूल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, ठीक है, ये गेट और पोस्ट एपीआई पे काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है। आप जैसे इसको यूआरएल देते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन की और ये अपने अटैक्स परफॉर्म करके आपको बताता है। इसका जो कोई यूआई नहीं होता, इसकी जस्ट सीएमटी मतलब टर्मिनल होता है जिसके थ्रू आप इसमें कमांड्स दे सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। इस तरह का उसका कुछ और ये उसका जो रिजल्ट होता है। अच्छा रिजल्ट क्या ये बता रहा है कि वापटी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट मैंने इस आपने इस वेब एप्लीकेशन की मुझे लिंक दी और मैंने जाके इसके सारे जो भी एचटीएमएल फाइल्स थे या इसके पेजेस थे वो मैंने हिट कर दिए और यहाँ पर ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की 19 नंबर्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज मुझे मिली, एसक्यूएल इंजेक्शन की इतनी नंबर ऑफ मिली और मेरे यही अपने टेस्ट किए बाकी आपके 0-0 हुए। ये क्या हुआ, एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। W3AF ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी यूआई भी होती है, आपकी सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट भी होती है, इसमें आप दोनों से जिस तरह से काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा ये इस तरह इसका व्यू है, और भी इसके फिश रेड प्रॉक्सी एसक्यूएल में ब्रेंडर स्कैन ग्रेबर और उसके अलावा आपकी काली लिनक्स होती है, उसके अलावा आवाज का अपना एक टूल होता है जो वो रिकमेंड करता है कि आप यूज करें। अच्छा कोई ऐसा टूल आपके मुताबिक या आपने कभी यूज किया हो या वो काम करता हो, अगर आपके जहन में कोई है तो मुझे बता दें मेरी इंफॉर्मेशन के लिए। कोई और टूल आप यूज करते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर? मैं खुद नहीं करता हूँ। चले अच्छा दूसरा यहाँ पर यह है कि ये तो सब मैंने बाहर की बातें बता दी कि भाई ये हो गया वो हो गया ये अटैक्स हो गए वो अटैक्स हो गए। अच्छा मैंने क्या किया फिर इस पर जब मैं प्रेजेंट करने आया, कम से कम मुझे कुछ काम करना जरूरी था। अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी, जो मैंने आपको स्क्रीन्स दिखाई वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस थी या कमांड प्रॉम्प्ट थी या कुछ इस तरह थी कि ओएस वर्जन के मुताबिक आपने वो चीज़ डाउनलोड की और अपने पास चलाई, वो इस वजह से कोई वेब एप्लीकेशन नहीं थी। वेब एप्लीकेशन क्यों नहीं थी, अगले बंदों को डर है, हमने वेब एप्लीकेशन ऐसी बनाई जो दूसरे की वल्नरेबिलिटीज स्कैन करे, कई हमारी भी हेल्प हो सकती है चीज़ें, हम भी इंसान हैं हम भी मसला कर